साहब बिना साहब उनके इतनी सुंदर दिखती हैं आप। सुंदर ही मेरी खानदानी नस्ल ही सुंदर है गाइस। नहीं फैक्ट्री सुंदर है, फैक्ट्री अच्छी है तो भैया बच्चे तो अच्छे होंगे। बच्चे अच्छा, फैक्ट्री किसको कह रही है, मम्मी पापा? पापा ही हमारी फैक्ट्री है, हम इनकी फैक्ट्री है, मतलब ये ना जो फैक्ट्री अच्छी उससे प्रोडक्ट भी तो अच्छा निकलेगा। Hey guys, good morning and welcome back to new fresh vlog. आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और फिर तेरी कहानी याद आई, मतलब हम फिर चल पड़े हैं वत्सल को और संस्कृति को छोड़ने। मास्क लगाई है और इसने कल खरीदवाया है स्पेशली क्योंकि इसके चश्मों के साथ मैचिंग अच्छी लगनी चाहिए, तो ब्लू वाले इतने सारे रखे थे गाइस, इसको वो नहीं पहनना था ये, हाँ तो इसे ब्लैक चाहिए था, तो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, सो समथिंग इज देयर। अभी अपना चश्मा ढूंढेंगे, फिर कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, अपना टाइम से ढूंढ लिया करो ना, ऐसे क्यों देर लगाते हो बेटा, कर तो दिया यार कॉम्ब। टाइम हो गया 6:27 और अभी हम बस का इंतजार कर रहे हैं एज यूजुअल। हाँ टाइम तो हो गया है बस का, लेकिन अभी आई नहीं है गाइस क्योंकि इनकी बस बहुत लेट लतीफ़ होती है। कोको को घुमा रहा हूँ अभी और अभी मतलब राउंड वगैरह लगाएंगे, उसके बाद हम फिर वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मॉर्निंग का पहला चैप्टर शुरू भी होता है और कोको की वॉक के साथ ख़त्म भी होता है। तो फिलहाल तो खैर हम ये वॉक कर रहे हैं, पर ये हमारे जो मॉर्निंग में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, डेली के काम होते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो गाइस कोको को अच्छे से घुमा के ले आया हूँ और अभी बच्चे तो पहुँचने वाले होंगे, ऑलमोस्ट स्कूल पहुँच जाएंगे, 10-15 मिनट का रास्ता होता है बस। अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है और फिलहाल जो है चाय बनाई जा रही है, अदरक कूट के सैंडविच बनेंगे आज, तो सैंडविच हम लोग खाएंगे और फिर मैं निकलूंगा। देखिए क्या बात है, ये बेस्ट है तरीका, मतलब मैंने देखा है कि बेलन से ना कुछ और कुछ कूटे ना कूटे, अदरक बहुत अच्छा कूटता है। क्या हुआ बेटा? तो गाइस आज राधिका ने लिया है बच्चों को और बच्चे बड़े मस्त होके बड़े उदास से होके देख रहे हैं मेरी तरफ। क्या हुआ? आम तो यार मुझे नहीं मिला। चलो आओ आओ। बेटा ऐसे नहीं गिरते और ना भागा करते, ठीक है? आप दोनों अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करो प्रॉपरली। मास्क घर में क्यों, मतलब रास्ते में मास्क उतारा हुआ था और घर में आके मास्क पहन लिया, क्यों भाई? पूरा दिन ब्लैक में तो गर्मी और ज्यादा लगती है, मैं तो सुन रही है, ब्लैक मास्क में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है यार, है ना? काली पीली से तो देखा जाए, मुझे तो गर्मी बहुत लगती है ब्लैक कलर से। तो गाइस आज ना लंच में चल रहे हैं छोले कुलचे, देखिए बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत टेस्टी बनाता है वो, जहाँ से मैं लेके आया हूँ, स्पेशली इन बच्चों के लिए गया था, इनकी डिमांड थी तो आज मैं ले आया हूँ और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। गाजियाबाद में एक जगह मिलते हैं ये, राजनगर में, अगर आपको कभी खाने हो तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो और डिलीशियस हैं। राधिका को तो बहुत पसंद है ये, जब भी मैं कभी उधर जाना हो तो ये ज़रूर कहती है पैक करा लो। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत वेलकम है और प्लीज़ आप भी शेयर करें और देखें एक बार, और अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाके एक बार ट्राई करें। तो गाइज यहाँ आज भी स्टडी हो रही है। क्या हो गया बेटा? किसकी रस्सी? तो गाइज ये देखो यहाँ से ना रस्सी से और वहाँ ऊपर वो खड़ा हुआ है बंदा, ये रस्सी से सामान लेके जाएंगे इसमें, ये जो नीचे जो स्क्वायर रखा है ना, ये स्क्वायर इसको ये बांधेंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे गाइस। गिर गया तो? गिरेगा नहीं, वो सीधा सीधा ले जाएगा, खींच लेगा ना वो ऊपर, तो बहुत भारी है। हाँ और इधर जो है वत्सल की जो पढ़ाई वो थोड़ी सी नरम मोड़ पर है, पढ़ाई कर रही है मम्मी आजकल, इसको पकड़ के लेके बैठ जाती हैं और ये ही एक ऑप्शन बचा है राधिका के पास। कब है पेपर? 12 सितंबर से। 12 सितंबर से फिर सितम ढाएंगी, एजुकेशन का सितम फिर से होने वाला है ना। तो गाइज इनके स्कूल खुलते ही अभी एग्जाम ओवर हुए हैं, अभी हम इसी पेरेंट मीटिंग में गए थे लास्ट सैटरडे,
तो तब हमने इनके मार्क्स देखे थे, अब देखो अगस्त के बाद तुरंत इनके फिर एग्जाम है, एक महीने के बाद ही। ये तो यूटी थे ना? हाँ, ये यूटी थे और अब इनके हाफ ईयरली होंगे। एग्जैक्टली तो बहुत ज़्यादा कोर्स भी आता है और उसी की तैयारी कर रही हैं, तो पूरी स्टडी जोरों शोरों पे है, आर्टिकल्स पढ़ा रही हैं मैडम। लड़का जो है देख लीजिएगा, इस मम्मी लगी हुई हैं पूरे जोरों शोरों से और बच्चे को टाइम नहीं है, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपना टाइम पास करने में लगे हुए हैं। डोंट से इसके ऊपर लटक के जाएंगे, हम नहीं कह रहे हैं वो लटक के जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है लटक के जाने का। गाइस आप बताओ कैसे चले जाएंगे? समझ गया। अच्छा क्या कह रहे हो? फ्लाइट की स्पेलिंग क्या होती है? FLIGHT। क्यों बढ़िया है तुम्हारा, सही है, अपने पूछ भी लेती हो और बताती भी नहीं हो, पढ़ा भी देती हूँ पूछ के पूछ पूछ के बता देती हैं और पढ़ा देती हैं। तो खैर अभी राधिका के पैन चल रहे हैं, हैं संसु भी लग गई आज रोड पे, कह रही आज मैंने टाइम टेबल सेट कर लिया, उनके यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच हुई थी आज। अच्छा, कह रही उसमें हमने बोला कि आपको 7 दिन में एक सब्जेक्ट, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट में जितने भी टोटल चैप्टर है वो खत्म कर रहे हैं 7 डेज में, तो एक सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट में आपको 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो यानी एक दिन का एक चैप्टर है, तो जो चैप्टर हो जाए आप उसको कट कर दो, यानी एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो तो आपका दिन फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे वाले सब्जेक्ट को भी मैनेज करके रखा, कह रही अब वही करना है। अच्छा अच्छा, एक बंदा कह रहा था कि संतूर वाली मम्मी, तो मैं संतूर लगाती हूँ, इतनी ब्यूटीफुल मम्मी हो, संतूर साबुन। हाँ तो बता दो कौन सा साबुन लगाती हो आप, इतनी ब्यूटीफुल दिखती हो। मैं साबुन ही छोड़ दी बिना साबुन के इतनी सुंदर दिखती हैं आप। सुंदर ही मेरी खानदानी नस्ल ही सुंदर है गाइस नहीं फैक्ट्री सुंदर है, फैक्ट्री अच्छी है तो भैया आप बच्चे तो अच्छे होंगे बच्चे। अच्छा फैक्ट्री किसको कह रही है, मम्मी पापा? पापा ही हमारी फैक्ट्री है, हम इनकी फैक्ट्री है, मतलब ये ने जो फैक्ट्री अच्छी उससे प्रोडक्ट भी तो अच्छा निकलेगा। एक कह रहा मैडम आप गाय का दूध नहीं निकालती हो, हम बहुत परेशान है आपके गाय का दूध क्यों नहीं निकाल रही हो। अच्छा गाय के दूध से क्या आपको पीने आना है क्या? वो तो आ जाएंगे, गाय वही तो पकड़ेंगे आके। दूध आता है मुझे निकालना, गाय का, भैंस का, जिसका जी करो, बकरी का तक भी निकाला हुआ है ना। अच्छा बकरी का भी निकाल लिया तुमने? कैसे निकालते हैं? मैंने निकाला था, निकालती हुई देखा था, मतलब। अच्छा मैंने निकाला, बांधे हुए मैंने निकाला है। हाँ। और वैसे नहीं निकालते जैसे गाय भैंस का निकालते हैं, उसका एक एक हाथ से ही निकालते हैं बस। मुझे नहीं पता, मैंने देखा है, मतलब। हाँ। फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी जब देखा है। मैंने बचपन में पड़ोसी की हमारे खेत में घुस गई थी तो मैंने उसका दूध निकाल के पी जाता था। नहीं भैया अब देखेंगे, अब हम दूध आता था मुझको पर अब मुझे नहीं आएगा, आ जाएगा, मैं निकाल सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि नहीं आता, निकाल सकती हूँ। तो मतलब आप उनकी रिक्वेस्ट का पूरी करने जा रही हो? मैं नहीं करूंगी किसी की रिक्वेस्ट, पहले प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट ना करें कोई भी, किसी लोग बना रहे हैं हम रिक्वेस्ट पूरी करेंगे, बताओ। ठीक है यार, मैंने बोला था गांव जाएंगे तभी मौका मिलेगा, उससे पहले नहीं जा सकते। अब गांव जाए भी नहीं, ये बताओ कि आप उसी रिक्वेस्ट, वही गाय का दूध ही देखना है? नहीं उससे पहले एक और रिक्वेस्ट थी उनकी रसभरी की। अच्छा उसके बाद फिर व्लॉग नहीं देखना हमारा, बताओ। ये तो क्वेश्चन तो भाई सोचने वाला है आपका, तो व्लॉग देखो तो फिर आप एक काम करो उनकी रसभरी की रिक्वेस्ट पूरी करो। रसभरी की मैं तो नहीं कर रही। अच्छा तो रसभरी की भी नहीं करनी है आपको रिक्वेस्ट, तो फिर आप वो हेयर कट वाली कर दो, बॉब कट। नहीं बॉब कट भी नहीं कर रही। रिक्वेस्ट पसंद कर रही हो आप? आप बोलो मैडम गाड़ी चला के दिखाओ, आप बोलो मैडम स्कूटी चला के दिखाओ, आप बोलो मैडम क्रिकेट खेल के दिखाओ, बैडमिंटन दिखाओ, तो मान ले भाई। ये इसमें क्या चैलेंज है, इसमें क्या इंटेलिजेंसी दिखाओ? दूध निकालने में क्या इंटेलिजेंसी है, बाल काटने में कौन सी इंटेलिजेंसी है भाई? रिक्वेस्ट है वो, देखी नहीं है, देखनी है मेरी, जूड़ा बना लेती हूँ, देख लो गर्दन, दिखाइयो गर्दन ही, दिखाओ भैया उनके घर में भी होंगी देख लेंगे, पर बांध के अपने जूड़ा उड़ा बाल काट के देख लो अपने घर में, गंजे हो जाए मतलब तुम्हारी। तुम भी रिक्वेस्ट कर सकती हो ना उनसे, वैसे क्या तुम भी, तुम रिक्वेस्ट कर लो भैया, किसी की रिक्वेस्ट मैं क्यों मानूं, लोग अच्छे लग रहे हैं तो देख लो, और हम चैलेंज पूरे नहीं कर सकते, हमारी इच्छा होगी तो हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं, हम ब्लॉगिंग का चैनल। अच्छा एक वो, एक वो पाकिस्तान से निमरा परेशान रहती है, वो कह रही है कि दीदी आपने बिल्कुल भी मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की है और ना ही आपने मुझे मतलब वो दिखाया कि कैसे नाभि को सही करूं, मैं कई कई बरस से परेशान घूम रही हूं अपने एरिया में और आप ही, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि बस मेरी नाभि की देखनी है, हजारों वीडियो मिलेंगी YouTube पर नाभि सही करने की। नहीं आपकी नाभि से हमें आइडिया हो जाएगा, मेरी नाभि में ऐसी कील चुभे हुए नहीं, वो कह रही है मेरी भी नाभि आपके जैसी है, ये भर दो आज, वो कह रही है मेरा फिगर भी आपके जैसा ही है। क्या देख रहा है, देख लो क्या देख रहे हैं गाइस, गिर मत जाइए भैया और ना मेरे पास। तो गाइज ये ना हर एक फ्लोर पे अटक अटक के लेके जाएंगे। हाँ हाँ तो हमारे यूजर की रिक्वेस्ट कब पूरी करने जा रही हो आप ये बताओ, रक्षाबंधन पे कर दोगी? रक्षाबंधन पे पक्का कर दोगी? और अगर गाय ना मिली आपको उस टाइम कोई दूध वाली,
पूरे गांव में? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा यार? अच्छा चलो मान लो, तो बकरी का निकाल के दिखा दो। बकरी नहीं है हमारे गांव में। भैंस है, भैंस का निकाल दोगी? चलो ठीक है, तो गाइस प्रॉमिस ले दियो। और बॉब कट का क्या है, उसका तो क्लियर कट मना कर देंगे। मैं नहीं करवा सकती यार अपने बालों की कटिंग। वो नाभि वाली डिस्पेल। हाँ गाइस इनसे पूछो, अपनी नाभि भी सही करके दे देंगे। मैं तो बनाऊंगी नहीं भैया, अपनी नाभि दिखाओ और बनवाओ। मैं नाभि तो सबकी नाभि होती है ना, तो वो रिक्वेस्ट आपसे क्यों करती रहती है? पता नहीं यार, तुम दिखा दो अपना। मेरे से तो बोलती नहीं, मैं तो 5 बार दिखा दूं। तो गाइस आज कल लोग यही एंड करते हैं। होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।